दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोवेक सर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। नोकिया ने लॉन्च कर दिया नोकिया 8.1। दिल्ली में एक एचएमडी ग्लोबल का इवेंट था जिसमें नोकिया 8.1 लॉन्च हो गया है और स्पेसिफिकेशन है कमाल के, लेकिन थोड़ा सा ओवर प्राइस रखा है मेरे हिसाब से। इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे रीजन के बारे में कि अगर आपको नोकिया के फैन नहीं हो और आप एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो नोकिया से कैसे दूर रहो। नहीं सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली स्मार्टफोन बहुत अच्छा है बट थोड़ा सा ओवर प्राइस है मेरे हिसाब से, हल्का सा। इसके पहले मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ यार, मैं प्रोज एंड कॉन्स के वीडियोस बनाते रहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं नोकिया का दुश्मन हूँ, मैं नोकिया का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे पास खुद दो फोन है, नोकिया 6.1 प्लस, उसके भी रिव्यूज़ बनाए थे। तो मैं ऐसे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। पाँच ऐसे पॉइंट बताऊँगा जो छोटे हैं, अवॉइड किए जा सकते हैं। वैसे स्मार्टफोन बहुत अच्छा है दोस्तों। चलते सीधे वीडियो की तरफ। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद आया तो अनलाइक करना, मुझे बताना क्यों नहीं पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं ये बता दूं दोस्तों कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है नोकिया को बुरा कहने का, क्योंकि मैं खुद नोकिया का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं चाहता हूं नोकिया अच्छा काम करे। बट कुछ दो तीन पॉइंट है जो इस स्मार्टफोन में गायब है, तो वो चीज़ें आपको बताने मेरा काम है। सबसे पहले मैं कह दूं प्राइस, पहला पॉइंट है। प्राइस मैं इसलिए कहूँगा कि जो कि इसके फीचर्स हैं, नॉर्मली इसका कैमरा बहुत कमाल का है, मैं ये चीज़ कहता हूँ आपको, बहुत कमाल का कैमरा है। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, बिल्ड A1, लेकिन स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें हैं बाकी सारी चीज़ों को लेके। मुझे लगता है कि अब इसको देखो, चाइना में लोगों ने लॉन्च किया था 18,000 रुपये में, ठीक है। इंडिया में आ रहा है 27,000 रुपये में, 4GB 64GB वाला। कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया में आने में कस्टम ड्यूटी सारी चीज़ें लगती है, तो मैं एक चीज़ बता दूं, नोकिया 6.1 प्लस जो आया था वो वहाँ पे जिस प्राइस में लॉन्च हुआ था वही प्राइस में इंडिया में लॉन्च हुआ। नोकिया 5.1 प्लस जो था, नोकिया X5, वो भी जिस प्राइस में चाइना में लॉन्च हुआ था उसी प्राइस में इंडिया में लॉन्च हुआ। अब इसके साथ ऐसा क्यों यार, कितना 9,000 का डिफरेंस? तो मुझे लगता है कि 2-4,000 अगर डिफरेंस रहता तो अच्छा होता था, लेकिन 9,000 कुछ ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से प्राइस एक थोड़ा सा इशू है, 27,000 रुपये थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों। दूसरे पॉइंट पे आया तो दूसरा पॉइंट है परफॉर्मेंस। इसमें स्नैपड्रैगन का 710 का प्रोसेसर है जो कि कमाल का प्रोसेसर है। तो प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए दोस्तों, पहले 710 के बारे में बता दूं, तो ये लेटेस्ट प्रोसेसर है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, एक साल नहीं हुआ इसको, और सबसे नए प्रोसेसर्स में से है स्नैपड्रैगन के, और एक अच्छा प्रोसेसर है। और इसमें 8 कोर होते हैं जिसके 2 कोर जो है वो 2.2 GHz पे क्लॉक्ड है, बाकी 6 कोर जो है 1.7 GHz पे क्लॉक्ड है। अगर इसके अंतु बेंचमार्क की बात करोगे तो इसका 1,40,000 के आसपास जाता है, जो कि अच्छा है। लेकिन अगर आप प्राइस की, अच्छा इसमें GPU भी गेमिंग के लिए भी अच्छा है, एड्रीनो 616 का GPU आता है इसमें, तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है दोस्तों कि ये इस प्राइस पे 27,000 में आपको स्नैपड्रैगन 845 के प्रोसेसर बहुत सारे स्मार्टफोन अच्छे फीचर्स के साथ देते हैं। Asus Zenfone 5Z, Poco F1, LG का G7 दोस्तों कमाल का फ़ोन है, 27,000 रुपये में आपको स्नैपड्रैगन 845 देता है। नोकिया थोड़ा सा ओवर प्राइस कर रहा है मुझे लगता है। अगर 845 की बात करोगे अंतु बेंचमार्क की, तो उसका 2,50,000 अबव जाता है हर एक फ़ोन में, वो एक कमाल की बात है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर प्राइस रखा है। 710 प्रोसेसर के साथ अगर 23,000 तक रखते तो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्मार्टफोन होता था। लेकिन प्रोसेसर अच्छा है, मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा आपको, लेकिन प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा मुझे प्राइस कम रखना चाहिए था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपको बुरा नहीं लगेगा, बट मेरे हिसाब से अब स्मार्टफोन 4,000 mAh दे रहे हैं, बट इनको भी देना चाहिए था। इन्होंने 3,500 mAh दिया है, थोड़ा सा अपग्रेड किया है 3,000 से 3,500 पे आए हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि 4,000 देते तो अच्छी चीज़ होती थी। हाँ, बैकअप करने के लिए फास्ट चार्ज 3 का सपोर्ट दिया, चार्जर भी फास्ट चार्ज दिया हुआ है, उसके साथ टाइप सी का पोर्ट दिया है, स्टॉक एंड्रॉइड है तो अच्छी बात है, बैटरी एफिशिएंट होता है, कम बैटरी खाता है स्टॉक एंड्रॉइड। उसके साथ साथ जो प्रोसेसर है वो भी बैटरी एफिशिएंट है, जिसमें 6 कोर्स 1.7 GHz पे क्लॉक्ड है, तो अच्छा है, आपको बैटरी बैकअप अच्छी दे देगा 1 से 1.5 दिन की। बट मुझे लगता है कि 4,000 mAh दे देते तो अच्छी बात होती थी। इन लोगों ने कहा 2 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा, मुझे नहीं लगता, बट 1 से 1.5 दिन की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, नोकिया का पहले से भी इशू रहा है, कुछ लोग पहले भी बोल चुके हैं इस चीज़ के लिए, अब डेडिकेटेड सारे लोग दे रहे हैं, अब हाइब्रिड क्यों दे रहे हो यार? इसमें 2 SIM कार्ड के साथ 1 SD कार्ड नहीं यूज़ कर सकते आप, या तो 1 SD कार्ड और 1 SIM कार्ड यूज़ करो या फिर 2 SIM कार्ड यूज़ करो। हाइब्रिड अब लोग छोड़ रहे हैं, देखो रियलमी दे रहा है, एसुस दे रहा है, मालूम है चाइनीज ब्रांड है, बट स्टिल दे रहे हैं वो लोग। तो आपको भी मेरे ख्याल से डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट 27,000 में तो दे देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा इशू लगा दोस्तों। जिन लोगों को फेस अनलॉक पसंद है, जिन लोगों को अलग कुछ टाइप के एप्लीकेशंस पसंद है जो कि स्टॉक एंड्रॉइड में नहीं मिलते, तो उनके लिए थोड़ा सा इशू है, क्योंकि इसमें नहीं आएगा स्टॉक एंड्रॉइड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फेस अनलॉक नहीं है, ट्रस्टेड फेस है, जो कि गूगल का फेस अनलॉक होता है, जो कि उतना ट्रस्टेड नहीं होता। मैंने नोकिया 6.1 प्लस पे वीडियो बनाया था, देखा था आपने, फोटो से ही अनलॉक करते हैं, फोटो से भी अनलॉक हो जाते हैं, तो एक फैसिलिटी की तरह आप रख सकते हो उसको, बट अगर सिक्योरिटी फीचर बोलोगे तो सिक्योरिटी फीचर नहीं है वो। इसके बदले आप फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ करो या फिर पैटर्न अनलॉक सारे अनलॉक से यूज़ करो, मेरे हिसाब से फेस अनलॉक इसमें आपको नहीं मिलेगा। जिनको स्टॉक एंड्रॉइड मालूम है उनको पता होगा कि स्टॉक एंड्रॉइड में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो ये एक इशू है इसमें। तो अगर आपको एक सिक्योर्ड फीचर फेस अनलॉक चाहिए तो ये स्मार्टफोन उतना अच्छा उस रेंज में नहीं आता दोस्तों।
तो ये 5 पॉइंट थे, आपको कौन सा वाला पॉइंट ज्यादा इफेक्ट करता है? मुझे नहीं, कोई नहीं करता, थोड़ा प्राइस करता है हल्का सा, प्राइस थोड़ा कम रहता तो एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता था, हो सकता है, अच्छा स्मार्टफोन, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, कैमरा के फीचर्स कमाल के इसके, लेकिन मुझे लगता है प्राइस थोड़ा सोर प्राइस रखा है, 23-24 हज़ार तक रहता तो मेरे हिसाब से अच्छा रहता था, कब तक नोकिया नोकिया करते फिरेंगे यार, बट मुझे लगता है थोड़ा कम रखना चाहिए था। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, कैसा लगा स्मार्टफोन, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए दोस्तों, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद आया तो अनलाइक करके मुझे बताओ क्यों नहीं पसंद आया दोस्तों, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं चेक कर सकते हो, और दोस्तों सपोर्ट कर सकते हो, मुझे सपोर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखो एक इमेज है, क्लिक करो सपोर्ट करो, अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।